जो साधु समाज के लोग हैं वो लोग आतंकवादी बन रहे हैं। ऐसा है, मैं कहां से शुरू करूं और कहां से नहीं करूं, एक समस्या है। और वो समस्या ये है कि भारत के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध की शुरुआत किसने करी और कब करी। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा का विरोध 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में हुआ। उससे पहले मूर्ति पूजा का विरोध तब हुआ जब आर्य समाज की स्थापना होती है। इस देश के लोग जो कह रहे हैं कि हमने कहा राम को नहीं पूजेंगे, कृष्ण को नहीं पूजेंगे, गौरी को नहीं पूजेंगे, गणेश को नहीं पूजेंगे, इस पूरी बात को एक शब्द के अंदर हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये आर्य समाज की पहली प्रतिज्ञा है या नहीं है। अब आती है अगली बात, बाबा साहेब का आर्य समाज के साथ बड़ा सद्भाव था। बाबा साहेब पाली का अध्ययन करते थे और बाबा साहब के पास एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था ईश्वर चंद मेधार्थी। ये जो मेधार्थी साहब थे ये कानपुर के रहने वाले थे और दीक्षा भूमि के अंदर उपस्थित थे। अब सवाल उठता है कि जब हमने कह दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो हमें बुद्ध को पूजना है, हमें बुद्ध को मानना है, और हम जो बुद्ध को मानते हैं उसी बुद्ध से बुद्ध परस्ती बना है। आप बुद्ध परस्ती को समझते हैं? इस देश के अंदर एक बात कही जाती है बुद्ध परस्ती। बुद्ध का मतलब मूर्ति नहीं होता है, बुद्ध का पर्यायवाची बुद्ध बना और बुद्ध का पर्यायवाची बुद्ध बना। इसीलिए नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर ये प्रतिज्ञाएं ली गई कि हम इन देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे। अब आती है इसके साथ ऐतिहासिकता की बात। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने राम की मूर्ति की पूजा का विरोध किया है, ये जो साधु लोग अयोध्या के अंदर बैठ करके कह रहे हैं, उनसे पूछो कि आपने कपड़ा किस रंग का पहना, ये भगवा रंग जो है किस रंग को कहते हैं। आप इसको भगवा को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? क्या केसरिया बनेगा? क्या लाल बनेगा? अरे भगवा रंग तो खुद भगवान बुद्ध के नाम से उत्पन्न हुआ है। और एक साधु भगवान बुद्ध के वस्त्र को पहन करके कहते हैं कि इसकी गर्दन काटनी चाहिए, ये हिंदूइज्म का आतंकवाद है, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो हमारा सांस्कृतिक भारत की विरासत है, ये पहली बार है कि कोई साधु भगवा वस्त्र पहन करके एक तालिबानी फरमान जारी कर रहा है। हिंदू लोगों को सोचना चाहिए, आप अपने साधुओं को समझाओ कि वो साधु क्या हत्यारे बनना चाहते हैं? इससे पहले क्या किसी साधु ने ऐसी बातें कही हैं? किसी गुरु ने कही है? इसका विरोध हिंदुओं को खुद करना चाहिए। इससे बड़ी बात, जो आरएसएस के लोग हैं क्या वो साधुओं को हत्या करना सिखा रहे हैं? अरे आरएसएस तो संस्कृति की बात करना चाहती है। आपके नाम में संघ जुड़ा है और ये संघ कहां से उठा था? क्या ये संघ आपने वेदों से निकाला है? क्या ये संघ आपने कहीं और से निकाला है? अरे अपने अतीत में झांक करके देखो। आप जो अपने अतीत के अंदर झांक करके देखोगे तो एक विरासत है साधुओं की और संतों की। और मैं उससे आगे एक शब्द कहना चाहूंगा कि जो राजा होता है उसका वस्त्र भगवा नहीं होता, केसरिया नहीं होता, लेकिन भगवान बुद्ध के भगवा वस्त्र को, भगवान बुद्ध के भगवा वस्त्र को जब तक आपने राम को स्टेज पर नहीं पहनाया तब तक राम भी श्रेष्ठ नहीं बना। समझ सकते हैं आप लोग? क्या राम एक राजा होकर के भगवा पहनते होंगे? लेकिन नहीं, ये भगवा वस्त्र पूजनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो साधु समाज के लोग हैं वो लोग आतंकवादी बन रहे हैं। और ये किसी भी साधु का आतंकवादी बनना गलत है। मैं यही बात कहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं जब भी कहीं जाता हूं लोग मेरे भगवा को देखते हैं, कहते भंते जी आप
क्या कहते हैं योगी हो। अरे दूसरा योगी हत्या की बात कर रहा है, एक योगी मुख्यमंत्री है, एक साधु को इसके ऊपर क्या कहते हैं संज्ञान लेकर के केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे अगली बात आती है, हमारे लोग कानून की बात नहीं करते हैं। अगर किसी के ऊपर एट्रोसिटीज होती है, किसी दलित नेता के हत्या की बात की जाती है, तो सबसे पहले संज्ञान एससी कमीशन को लेना चाहिए। एससी कमीशन के जो मेंबर्स हैं, वो शेड्यूल कास्ट हैं। ये विजय सांपला कहाँ बैठा हुआ है? यही विजय सांपला जी, अरे क्या आपके कमीशन में पावर नहीं है? क्या आपने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा कि भाई एक साधु हत्या की बात कैसे कर रहा है? और अगर एससी कमीशन एक नेता की हत्या का संज्ञान नहीं ले सकता, तो शायद वो सड़क पर मरने वाले किसी शेड्यूल कास्ट की हत्या का भी संज्ञान नहीं ले सकता है। अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, तो आप लोगों को अपनी पार्लियामेंट के अंदर, अपने जो असेंबली है उसके अंदर और अपने मंदिरों के अंदर बैठे हुए जो साधु लोग हैं या जो नेता लोग हैं, उनके अंदर एक जागृति पैदा करनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ वो लोग गुलाम हैं, हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि वो लोग मजबूर हैं, वो लोग नौकरी कर रहे हैं उस पार्टियों में, और ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं अपने बीवी बच्चों की सोचते हैं। लेकिन मैं राजेंद्र पाल गौतम जी की दाद देता हूँ कि इन्होंने मंत्री पद को त्याग दिया बाबा साहब के उस आंदोलन के लिए जो हमारा अधिकार था। अगली बात आती है कि हमारे लोग कहते हैं हम बौद्ध बन रहे हैं। अरे भाई हम हिंदू बने कब? हिंदू कब बने आप लोग? कब थे हिंदू आप लोग? आप लोग पढ़िए पहले। बाबा साहब 1932 में कहते हैं कि आई वॉज बोर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। इन द सेम ईयर व्हेन बाबा साहब इज रीचिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पर एक सज्जन थे जिनका नाम था रट्टमलई श्रीनिवासन। रट्टमलई श्रीनिवासन के जो जीजा थे उनका नाम था पंडित अयोध्यादास। पंडित अयोध्यादास ने डरबन के अंदर साउथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ साक्यास करके एक सोसाइटी बनाई थी, जिसका हेडक्वार्टर था वो पेरम्बूर चेन्नई में हुआ करता था। एक ऑफिस मांडले में था, एक कोलार गोल्ड फील्ड में था, एक जाफना में था। 1914 के अंदर पहली कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर एक सेमिनार होता है जहाँ पे 14,000 लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। अब आती है कि जो रट्टमलई श्रीनिवासन है उनको बाबा साहब कहते हैं कि भाई मैं तो हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं। रट्टमलई श्रीनिवासन कहते हैं हम तो हिंदू कभी थे ही नहीं, हम तो बुद्धिस्ट हैं। अरे इस देश के अंदर हम हिंदू 1860 की सेंसस में बने, उससे पहले इस देश का कोई आदमी हिंदू नहीं था। और हिंदू जो शब्द है वो मुगलों के टाइम में आया। अगर मुगलों के टाइम में हिंदू शब्द आता है तो उससे पहले इस देश के वसिंदे क्या थे? ये जो इस देश के लोग हैं जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, अरे तुम्हारा धर्म क्या था? जरा आप अपने इतिहास में जाकर के देखो, अपने इतिहास के अंदर पूछो कि आप क्या थे। अगर आप सनातन कहते हो तो सनातन की पूजा पद्धति क्या थी? अगर ओम जय जगदीश कहते हो तो ओम जय जगदीश तो श्रद्धा राम फिलौरी ने 1932 के आसपास फिलौर में लिखी, उससे पहले आप लोग कौन सी पूजा करते थे? ये सवाल आपको पूछना होगा। हम बौद्ध नहीं बन रहे, हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध रहेंगे। हम तो अपने समाज के अंदर जो ये गलत मूर्तियां आ गई हैं, मैं गलत मूर्तियां कहता हूं, मेरे ऊपर केस करो, अपने स्कॉलर्स को बुलाओ। भारत के अंदर राम की मूर्ति कब मिलना शुरू हुई? किस सेंचुरी से मिलना शुरू हुई? कॉल योर आर्कियोलॉजिस्ट एंड लेट देम से इट इज कमिंग इन 9th century, 10th century, 12th century। अगर नहीं थी राम की मूर्ति, अगर 9वीं शताब्दी के बाद आती है, 10वीं के बाद आती है, तो उससे पहले हम किसको पूछते थे? ये विषय है जो देश के सभी लोगों को खोजना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या मैं आपको बताता हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या मूर्ति का विरोध नहीं है, 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या पुजारी का विरोध है। हम उस प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हमारा कोई संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होगा। इस एक सिंगल स्ट्रोक से आपने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस खत्म कर दिया।
उसका बिजनेस खत्म कर दिया, एक जाति का बिजनेस खत्म कर दिया। आपने किसी सभी ब्राह्मण का नहीं, मेरी एक बात सुनिए, हम जब ब्राह्मण कहते हैं तो अच्छे ब्राह्मण हैं जो बाबा साहब के साथ खड़े हुए, हम जब ब्राह्मण कहते हैं ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी मंदिर में पूजा नहीं करी, बड़े सेकुलर लोग हैं, वो भिक्षुओं को बुलाते हैं, भोजन दान देते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं कह रहा, मैं ये हिंदू समाज के उन पुरोहितों को कह रहा हूँ जो हिंदू समाज के अंदर जो सुधारवाद आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं, उसका इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमें किसी की गर्दन काटनी है। आई एम नॉट सेइंग दैट इस्लामीकरण विद द रिलीजन, बट जो ये तालिबानीकरण है, ये जो तालिबानीकरण हो रहा है साधुओं का, ये रुकना चाहिए इस देश के अंदर। ये जो वस्त्र है किसी साधु का, वो प्रेम को दर्शाता है, वो करुणा को दर्शाता है, वो मुदिता को दर्शाता है, और ये करुणा प्रेम मैत्री मुदिता को दर्शाने वाला भगवा अगर हत्या का फरमान जारी करता है तो उसके खिलाफ हिंदू समाज को भी खड़ा होना चाहिए, ब्राह्मणों को भी खड़ा होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की लड़ाई है। मैं ये जो लोग अपने आप को दलित कहते हैं, जो अपने आप को अंबेडकरी कहते हैं, जो अपने आप को बहुत कहते हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप जाति का नाम लेके किसी को गाली मत दो। जब कोई हमें जाति का नाम लेके गाली कहता है तो हमको दुख होता है ना। तो अगर हम ब्राह्मण को कहेंगे, जिस ब्राह्मण हमारे साथ बैठता है उठता है उसको भी दुख होगा। हमारा जो विरोध है वो मनुवाद के खिलाफ है। इस देश में एक तरफ मनुवाद खड़ा है और एक तरफ अंबेडकरवाद खड़ा है। अंबेडकरवादी ब्राह्मण हैं, अंबेडकरवादी क्षत्रिय हैं, अंबेडकरवादी वैश्य हैं, अंबेडकरवादी शूद्र हैं और अंबेडकरवादी पंचम हैं। ये जो शेड्यूल कास्ट लोग अपने आप को शूद्र सोचते हो, अछूत, आप लोग शूद्र नहीं हो, ये आप मान लीजिए। पढ़िए इन शास्त्रों को। और महिलाओं की बात करता हूँ, हमारे भारतीय शास्त्रों के हिसाब से महिला जाति विहीन है, जिसके साथ उसने शादी करी उसकी वही जाति हो गई। तो महिला और अछूत एक ग्रुप के अंदर आते हैं। अब मैं फिर वहीं पर आ जाऊंगा, शेड्यूल कास्ट लोग, अछूत लोग बुद्ध धर्म को जब अपनाएंगे तो एक पुरोहित वर्ग का जो बिजनेस है वो खत्म होगा, और जब उस पुरोहित वर्ग का बिजनेस खत्म होगा तो पुरोहित वर्ग चिल्लाएगा, वो हत्या की बात करेगा, गर्दन काटने की बात करेगा। और ये साधु लोग साधु नहीं है, ये पुरोहित हैं जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, जिनका बिजनेस खत्म हो रहा है। क्योंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्राह्मणों से अपना संस्कार नहीं करूंगा, मैं जो पिंडदान है वो नहीं कराऊंगा, और यही आंदोलन अगर पूरे भारत में चल गया तो मैं कहता हूं भारत जो है वो विस्तृत हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। मैं और समय नहीं, मैंने आप लोगों का काफी समय लिया, लेकिन आप लोग बाबा साहब के जैसे देखो। मैं एक बात यहां जरूर कहता हूं, बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ी ना, उन्हें नवाब सपोर्ट करने के लिए, कहता हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। उन्हें दूसरे धर्म के लोग सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। जब हमारे बगल के अंदर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो लगता है कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। ये हमारा धर्म युद्ध नहीं है, ये हमारा सामाजिक युद्ध है, और हम अपने पूर्वजों की विरासत में जाना चाहते हैं, और अपने साथ हम उन ब्राह्मणों को लाना चाहते हैं, क्षत्रियों को लाना चाहते हैं, वैश्यों को लाना चाहते हैं, और सभी को लाना चाहते हैं जो इस भारत की सनातन संस्कृति का मतलब बुद्ध संस्कृति है, सनातन संस्कृति का मतलब जैन संस्कृति है, सनातन संस्कृति का मतलब शरमण संस्कृति है, उसमें वापस लाना चाहते हैं, जहां पुरोहित का आतंकवाद नहीं हो, जहां असमानता नहीं हो, जहां जाति का भेदभाव नहीं हो, जहां कन्या को जलाया नहीं जाता हो, जहां किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती हो। और यह आंदोलन खड़ा हुआ है, खड़ा होगा। मैं इस मंच से तिरुमावलवन जी की भी बड़ाई करता हूँ। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो तमिलनाडु से हैं, उनकी अपनी पार्टी है। हाँ, कभी वो रामदास अठावले जी के साथ भी हुआ करते थे। अठावले जी बैठे हैं, भाई आप भी 22 प्रतिज्ञा लेते हो, कभी आरएसएस ने बीजेपी ने आवाज क्यों नहीं उठाई,
क्यों नहीं उठाई, कौन ले नहीं लेता 22 प्रतिज्ञाएं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे तिरुमावलवन जी हैं, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को ऑफिस दिया कि आइए आप यहाँ सेंटर से ऑफिस चले जाए। ये उत्तरी और दक्षिणी आंदोलन जुड़ रहा है, आप जितना हमें छेड़ो इधर करेक्ट में आएंगे करेक्ट मां। हाँ, अभी दक्षिण भारत और उत्तरी भारत जुड़ रहा है, और अगर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जुड़ेगा तो वाल्मीकि की रामायण सामने आएगी। मैं वाल्मीकि की रामायण की बात क्यों करता हूँ, भारत में दो रामायण है, एक है रामचरितमानस जिसके अंदर राम को पुरुषार्थी पुरुष दिखाया गया है, एक है वाल्मीकि रामायण जिसके अंदर यथावत दर्शाया गया है कि राम का जो जन्म है वो ऋषियों के द्वारा दिए गए फल के खाने से होता है। अब ऋषियों ने कौन सा फल दिया ये तो वाल्मीकि जी जानते हैं। मैं रामायण की बात कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं, और उसी वाल्मीकि रामायण के उद्धरण को पेरियार जी ने कहा। ये अंबेडकरी लोग जो वाल्मीकि का विरोध करते हैं उन्हें वाल्मीकि को पढ़ना चाहिए। आपको एक पुस्तक है राम की कहानी, राम की जवानी, जिसे भंते आनंद कौशलायन ने लिखा है, और भंते आनंद कौशलायन खत्री समाज से आते थे, और इस पुस्तक पढ़ी है किसी ने भाई यहाँ पे? अरे क्या करते हो यार, अम्बेडकरी कहते हो खुद को, किताबें पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो आप लोग? हमारी जो लड़ाई है वो विद्वता की, हम इन्फॉर्मेशन पे लड़ेंगे, हम सच्चाई पे लड़ेंगे, और अगर केस लेकर के ये जाते हैं तो इन केसों का एक पब्लिक के ऊपर केस सुना जाए, फिर पता चलेगा सच्चाई क्या है। देखो पेरियार जी ने वही कहा है जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में कहा, और जो वाल्मीकि जी ने कहा वही ललित यादव ने कहा। हमें वाल्मीकि जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने यथार्थ को रखा। अगर इस देश के अंदर वाल्मीकि नहीं होते तो आज राम भी नहीं होते, ये आप याद रखो। लेकिन वाल्मीकि के राम में और तुलसी के राम में अंतर है। हिंदू समाज तुलसी के राम को लेकर चल रहा है लेकिन वाल्मीकि के राम को छोड़ दिया। हम लोग वाल्मीकि के राम को लेकर के चल रहे हैं क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुष नहीं थे बल्कि वो परिस्थितियों के शिकार थे। कौन व्यक्ति जंगल में जाना चाहेगा, परिस्थितियां ही है ना जंगल में भेजती है, और ये परिस्थितियों की जो शिकार है वो हम लोग भी हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं हम परिस्थितियों के शिकार हैं। हमारी कोई लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इस्लाम से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम किसी के विरोध में यहाँ नहीं बैठे, हम भारतीय संविधान को लागू करने के लिए बैठे हैं और मनुवाद को खत्म करने के लिए बैठे हैं। हम यही कहेंगे भारतीय संविधान लागू हो, मनुवाद खत्म हो। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ, सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भी।